हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, आज अच्छे और नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के बीच हम आ चुके हैं। जी दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन अच्छा और बढ़िया वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम टैंक से नीचे तक पूरा पाइपिंग करके आप लोगों को दिखाएँगे। ओपन पाइपिंग भी है, हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए भी हम प्रोजेक्ट पर आ चुके हैं, और जो हमारे भाइयों लोग नए नए आए हैं हमारे चैनल पे इलेक्ट्रिकल नौसाद भाई को सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन दबाना भूले, ताकि नए से नए वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। जी दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 40 mm का और 25 mm का पाइप दिख रहा है, इसमें हमको पाइपिंग करने का है। तो ऊपर से टैंक से मैं पाइप को ले करके आया हूँ, यानी दो पाइप नीचे तक आ गया है, और यहाँ से आगे का पाइप का प्रोसेस आप लोगों को हम बताएँगे, और टैंक भी इंस्टॉल करने के बाद हम आप लोगों को वीडियो लास्ट में दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। अभी यहाँ पे हम एल्बो लगा ले रहे हैं फटाक से, 40 mm का एल्बो और 25 का एल्बो हम लगा ले रहे हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम चालू करेंगे। देख सकते हैं लग गया है। टैप से लेकर नापेंगे फिर से। मेजरमेंट टैप से इसको पाइप को नापेंगे कितना लग रहा है। अभी काम ये हो जाएगा तो आप लोगों को दिखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिट्टी निकाल करके इंटरलॉकिंग भी निकाला हूँ, उसके बाद पाइपिंग कर रहा हूँ। सब निकालने में को टाइम गया, लेकिन वो सब नहीं दिखा सकते हैं क्या क्या निकाला नहीं निकाला, लेकिन पाइप को ज्वाइंट कैसे करेंगे, सोल्यूशन कितना लगाएंगे, ये आप लोगों को इस वीडियो में पूरा दिखने का है। यह मेरा पूरा PVC पाइपिंग है, ये वाटर पाइप है, टैंक से पूरा नीचे तक है। मेरा नल का, टैप का, वाश बेसिन का, कमोड का, सिंक का पूरा पाइप इसी से है, 40 mm पाइप से। आप लोगों को पूरा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ये वीडियो मैं केरला से अभी शूटिंग कर रहा हूँ। मैं केरला में अभी हूँ इस टाइम। इधर ज़्यादा PVC पाइपिंग होता है, ओपन पाइपिंग पूरा PVC रहेगा। बहुत जगह से PVC UPVC होता है, लेकिन यहाँ पे PVC पाइपिंग अभी हम कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि वो मेरा वहाँ से वहाँ तक प्रोसेस हो गया है। और ये वाला हमारा प्रोसेस लेसवी लेवल लग करके हम इसको अच्छे से फिर कटिंग करके उसमें एल्बो डाल के उधर का हम पॉइंट बनाएंगे, सिंक का, जो हमारा किचन का सिंक है उसका हम पॉइंट बना रहे हैं अभी। चलिए उसको हम फटाफट कटिंग कर ले रहे हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए कटिंग कर लिए हैं, और उसके बाद एल्बो को फिर पॉइंट एल्बो उसमें हम ज्वाइंट करेंगे। चलिए उसमें हम पॉइंट एल्बो फिर से हम ज्वाइंट कर दे रहे हैं। अभी तो एल्बो हम डाले हैं, वहाँ से ऊपर जा रहा है एल्बो, उसके बाद हम पॉइंट एल्बो लगा करके नीचे हम डाउन कर देंगे, वो हमारा रेडी हो जाएगा। जी दोस्तों, देख सकते हैं एल्बो हो गया, अभी वहाँ पे हम पॉइंट एल्बो कटिंग करके डाल देंगे। अच्छा से उसमें हम गम लगा लेंगे, गम लगाने के बाद हम उसको नाप के कटिंग कर देंगे, कितना हमको लग उतना लग रहा है उसको नाप के। अच्छे से हम एक्स्ट्रा बोल्ट किया गया भाई, हाँ एक्स्ट्रा बोल्ट मिला, उसको अच्छे से हम कटिंग कर ले रहे हैं। फिर उसको हम लगा कर अच्छे से फिर गम लगा देंगे, गम लगाने के बाद चिपका देंगे, उसके बाद दो क्लेम मार देंगे, रेडी हो जाएगा। चलिए उसमें हम कम लगा दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि उसमें हम गम लगा दिए हैं,
बीच से देखेंगे आप लोग वीडियो तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगा, शुरू से लास्ट देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या क्या पॉइंट है, किधर पॉइंट है। यहाँ अभी सिंक का पॉइंट डाल रहे हैं। चलिए हमारा रेडी हो गया। अभी ये सिंक का उधर से हम तो एल्वो डाल दिए हैं, अब इधर से हम FTA लेंगे करके और इधर से हम डालेंगे वाल को। हमने मार्किंग कर लिए हैं वाल को, इतना मेरा 9 हो रहा है 9 इंच, उसे उधर से हम कटिंग कर लेंगे और FTA को उसमें कनेक्ट कर देंगे। FTA को इधर से अच्छे से हम डाल देंगे। देखिए पॉइंट इधर है लेकिन पाइप ही मेरा बाहर साइड से है, किस हिसाब से हो रहा है वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों की, कि वो उधर से हम एल्बो डाले हैं लेकिन इधर से हमको पॉइंट चाहिए, तो इसमें हम MTA नहीं FTA का हम प्रयोग करेंगे। और FTA एक सॉकेट टाइप का होता है, उसमें ब्रास रहता है, उसमें पॉइंट इधर पॉइंट सॉकेट भी बोला जाता है हमारे केरला में, और जगह पे तो ब्रास सॉकेट बोलेंगे। चलो अभी इसमें हम फिर गम लगा दे रहे हैं, गम लगाने के बाद उसको अच्छे से फिर चिपका देंगे हम। चलिए अभी उसमें हम गम लगा लिए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है भाई, क्या करेंगे। उसमें गम लगाने के बाद मैं उधर से अच्छे से चिपका दिए हैं। अभी नेक्स्ट मेरा एक और पॉइंट है, आप लोगों को वहाँ पे टी दिख रहा होगा, उसकी ये भी उसी प्रोसेस हम करेंगे। पॉइंट सॉकेट का हम ले लिए हैं और सही नाप करके कटिंग कर लेंगे। इस मेरा 6 इंच है, वो 9 इंच था। चलिए फिर हम उसमें गम लगा देंगे। रेडी आ रहा है, ऐसा हिसाब से लगाने का है कि हमको वाल से ज़्यादा बाहर भी नहीं चाहिए, बाहर रहेगा तो फिर बाद में बोरिंग आएगा, क्योंकि इसमें टाइल्स नहीं लगने वाले हैं। इधर टाइल्स लगेंगे उधर समझ में आ रहा है, इधर टाइल्स नहीं लगने वाले हैं, इसलिए हमको वाल के लेवल में ही रखेंगे। इस हिसाब से हमको कटिंग भी करना है, कम भी नहीं होना चाहिए। चलिए उस हिसाब से हम कटिंग कर चुके हैं और लगा भी दिए हैं। अभी नेक्स्ट मेरा पाइपिंग इधर आ जाइए, उधर अभी अंदर से जो किए टी दिख रहा है ना, टी का अंदर वाला पॉइंट किए हैं, वो एक बकेट रख करके स्नान करने के लिए वो बनाएगी एक पॉइंट, वहाँ पर टैप लगेगा। अभी यहाँ से हम यहाँ पे 40 mm का दिख रहा होगा पाइप, उसमें हम इसको कनेक्ट करेंगे। उसमें हम टी लगा दिए हैं, नीचे से एक पाइप आप लोगों को दिख रहा होगा, वो नीचे वाला जो पाइप है वो मेरा वो फिल्टर के लिए गया है डायरेक्ट, वो आप लोगों को फिल्टर का भी हम पॉइंट दिखा देंगे अभी बाद में। पहले हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं, ऊपर रेडिसर लगा करके हम उसमें कनेक्ट कर देंगे। चलिए हो गया, ऊपर नहीं बिग रहा है अभी, पहले बिग रहा था, अभी वहाँ पर फिर हम टी लगा देंगे। वैकेंसी का 40x25 का हम रेडिसर लगा दिए, उसके बाद टी लगा देंगे। मेरा उधर का पाइपलाइन रेडी हो जाएगा और एक पाइपलाइन इधर का एक और लेके जाने का है बाथरूम का, जो कि मेरा सिंक है सॉरी क्लोसेट है और वाश बेसिन है और कमबोर्ड है, उसका हमको पॉइंट इधर से जाएगा। चलिए अभी फिर हम उतना कटिंग कर ले रहे हैं, पहले टी में हम गम लगा लिए हैं, उसको शायद उतना कटिंग करके उसके बाद उधर चिपका देंगे, मेरा ये पॉइंट रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं ये यहाँ पे हो गया, अब ऊपर का जो दिख रहा है ना पाइप वो एक्स्ट्रा हम है वो निकाल लेंगे, क्योंकि गम नहीं लगाए थे, बस मार्किंग के लिए हम कटिंग किए थे। पहले हम क्या करेंगे, उधर का टी में हम लगा देंगे। चलिए उतना हमारा आ रहा है, फिर उतना हम कटिंग करके पहले इधर टी में हम डालेंगे, उसके बाद रेडिसर में डालेंगे। ये भी बात को ध्यान देना है कैसे हमको कौन सा पॉइंट पर हमको करना है। अभी देखिए यहाँ पे पहले हम टी में डाल रहे हैं, उसके बाद रेडिसर में, दोनों साथ में डालने का है। चलिए दोस्तों अभी हम टी में डाल ले रहे हैं, टी में देख सकते हो गया है और मेरा वहाँ का लेवल पहुँच चुका है। अभी रेडिसर में हम कनेक्ट कर दिए, मेरा ये पॉइंट रेडी हो गया, ये बाहर बिक रहा है बार बार। देखिए रेडी हो गया, अभी हमारा एक पॉइंट इधर का फोर टी दिख रहा होगा, टी से मेरा पॉइंट अंदर टॉयलेट में जाएगा, वो भी पूरा से आप लोग करके हम बताएंगे।
नीचे वाला पाइप जो मेरा फिल्टर का है वो पहले नहीं, पहले ये पाइप वहाँ तक हम पहुँचा दे रहे हैं वाल तक, उसके बाद अंदर से जाके करेंगे फिल्टर का। देखिए यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, कटिंग करके और यहाँ पे हम बेंड डाले हैं तो उसके बाद एल्बो डाल देंगे। एल्बो डालेंगे तो स्पेस कम आएगा ना, बेंड का स्पेस नहीं पा रहा है इसलिए हम एल्बो डाल देंगे। और बहुत इजी है पीवीसी पाइपिंग करने का, क्योंकि इसमें लीकेज का उतना संभावना नहीं रहता है। एक बार सोल्यूशन डाल दिया अच्छे से और अच्छे से वर्क कर दिए तो टेंशन नहीं है, फ्री है। चलिए उतना वेस्ट है, उतना हम कटिंग नहीं करेंगे अभी, उधर डालेंगे उसके बाद उधर कटिंग करेंगे। मेरा वीडियो लंबा थोड़ा होगा लेकिन इसमें पूरा आप लोगों को प्रोसेस हम बताएंगे क्या क्या वर्क है, और आप लोग वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ मिसिंग हो जाएगा शायद, आप लोग पूरा देख नहीं सकते हैं, इसलिए मैं पूरा वर्क किया हूँ 1 वीक का पूरा इस वीडियो में है, 1 हफ्ते का पूरा है ये वर्क। पीवीसी पाइपिंग आप लोग पूरा देखेंगे हमको टैंक से लेकर के नीचे से लेकर के पूरा जो वाश बेसिन है उधर तक मेरा पूरा पीवीसी पाइपिंग है। अंदर भी पीवीसी पाइपिंग हम डाल दिए हैं, वो पीवीसी पाइपिंग बहुत अच्छा और गुड पाइप है। पीवीसी से भी अच्छा ही हमको लगता है क्योंकि रेट भी कम है और अच्छा भी है। इसको घाम लगेगा, धूप लगेगा तभी ये फटेगा जल्दी, अब इससे नहीं फट सकता है। देखिए यहाँ पे हम कटिंग करके एल्बो लगा करके इसको अच्छे से चिपका दे रहे हैं और उसके बाद हम एक और पाइप को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, मेरा वहाँ कॉर्नर तक पहुँच जाएगा, उसके बाद अंदर से जा करके फिर इसको वर्किंग करेंगे हम। आप लोगों के एक यहाँ पर वेंट दिख रहा होगा 45 का, वो दूसरा पाइप है जो कि इन है और ये हम आउट में काम कर रहे हैं। वो पाइप को हम मोटर में ले आकर कनेक्ट कर देंगे लास्ट में। चलिए यहाँ पे हम गम लगा रहे हैं फिर से, ये भी देख सकते हैं रेडी हो गए हैं। यहाँ पे क्लैंप मार देंगे, हमारा ये रेडी हो जाएगा। चलिए गम हो गया, गम ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा लगाने का है। चलिए अभी मेरा रेडी हो गया, अब उधर का हो गया। अभी इधर हमारा उस साइड से हम इस साइड आ गए हैं जो कि हमारा 2 पाइप था उधर में, तो हम नीचे वाला पाइप को पहले वाटर फिल्टर के लिए हम लेके जाएंगे, उसके बाद ऊपर का पाइपिंग करेंगे हम। 2 पाइप हैं आप लोगों को बताया, मैं बताया था पीछे से 2 पाइप आ रहे हैं, अब उस साइड से हम इस साइड में आ गए हैं। अंदर का मेरा को कंड्यूट करना है इसलिए हम कटिंग कर चुके हैं, कटिंग करने के बाद पाइपिंग करना शुरू कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि गम लगा करके अच्छे से गम लगा के कटिंग करके फिर उधर हम डाल दे रहे हैं। एक एक पॉइंट हम कटिंग करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम कटिंग करके उधर हम डाल दे रहे हैं। हमारा वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा आप लोगों को देखने में, लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा लगेगा दिखाने तो लंबा मेरा वीडियो हो जाएगा। आप लोगों नहीं समझ में आता होगा तो मेरा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। देख सकते हैं हो गया है। एल्बो से हम उधर पाइपिंग कर देंगे। ये मेरा वहाँ से वहाँ तक पहुँच गया है, वहाँ पे एक और एल्बो हम लगा देंगे, उसके बाद आगे का पाइप का प्रोसेस हम बताएंगे। देख सकते हैं वहाँ पर एल्बो लगा दिए हैं और उसके बाद एक और हम एल्बो को कटिंग करके डालेंगे उसमें अच्छे से। चलिए वहाँ से अभी अच्छे से कटिंग करके एक बार हम एल्बो को डाल दे रहे हैं।
आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एल्बो हम कटिंग करके अभी इसे अच्छे से गम लगा के इसमें हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद उस साइड में हम जाएंगे। रेडी, ओके। अभी हम दूसरे साइड में आ चुके हैं। उधर से मैं टॉयलेट से मैं बाहर निकल गया हूँ। इधर से हमारा सीधा पाइप ले कर उधर कनेक्ट कर देने का है। तो मैं पाइप को कटिंग कर चुका हूँ। उसमें बस गम डालने का है। ये मेरा रेडी हो जाएगा। अभी इधर आ जाइए, मेरा फिल्टर की तरफ से मैं पाइपिंग करूँगा। ये मेरा फिल्टर मशीन है। इधर आपको लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा, वो जो है ग्रीन वाला दिख रहा है, बड़ा फिल्टर मशीन है। उसके लिए हम इसका पाइप लेके आ रहे हैं। चलिए, वाल्व लग गया। अब यहाँ से हम उसको कनेक्ट करके उधर डाल देंगे। चलिए, हमारा कितना हो रहा है, 65 हो रहा है। उतना कटिंग करके एक पाइप को उसमें ज्वाइन कर देंगे हम। किधर गया भाई सामान, किधर गया? मिल गया सामान, मिल गया। ये दोस्तों, अभी मेरे को थोड़ा पाइप नहीं मिल रहा था, नहीं पाइप मिल गया है और कटिंग भी कर ली है। बस मेरे को गम लगा कर डालने का है। ये मेरा पॉइंट रेडी हो जाएगा। इधर से फिर हम बैक साइड में जाएंगे, जहाँ पे हम वहाँ पे पाइप छोड़ के आए, आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइप को भी डाल चुके हैं हम। ओके, रेडी हो गया। वहाँ से हम इधर आ जाएंगे। T5 लगा के फिर हम इधर को पाइपिंग कर देंगे हम। चलिए, यहाँ पे हम गम लगा दिए हैं। हमारा पाइप रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अभी अंदर का भी रेडी हो गया। ये पाइप हम उठा के इधर साइड में हम कर देंगे। और उसके बाद जो अंदर से ऊपर टैंक से पाइप लेकर के आए हैं, यहाँ पे हम कनेक्ट करने का 245 लगा के, वो भी आप लोगों को हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। 2 मिनट और भी दिए, मेरा वीडियो बस अभी फिनिश होने वाला है पूरा पाइपिंग के साथ। इसमें पूरा A to Z पाइपिंग है, टैंक टू वाटर पाइप किधर किधर क्या करने का है आप लोगों को पूरा हम दिखाने वाले हैं। अभी मेरा वहाँ तक हुआ था, वहाँ पर गम लगा के उसको अच्छे से चिपका दे रहे हैं। फोर्टी फाइव लगाने का तरीका जान लीजिए, कैसे हम लगा रहे हैं देख लीजिएगा। और से कहीं भी 45 नहीं लगा सकते हैं। कहीं 45 लगा देंगे तो कभी पाइप वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए हम पहले एक को 45 को लगाएंगे, उसके बाद दूसरे 45 को लगा करके अच्छे से मेजरिंग करके कटिंग करेंगे। तो पहले चलिए, हम एक 45 को हम लगा दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक मेरा 45 लग चुका है और दूसरा 45 देखिए मेरा वहाँ मांग रहा है, वहाँ पर कटिंग करके लगाएंगे। कहीं भी कटिंग करके नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा और भाई थोड़ा ज़्यादा बरियाई करेंगे तो टूट भी सकता है, परेशान नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरा वहाँ मांग रहा है, वहाँ पे हम कटिंग करके उसको अच्छे से सॉल्वेंट को हम लगा देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि अभी मेरा पॉइंट रेडी हो चुका है। अभी मेरा अंदर का बाथरूम का बस पॉइंट बाकी है। चलिए, कटिंग कर चुके हैं, बस यहाँ पे गम लगाने का है। गम लगाने के बाद इसको अच्छे से डाल देंगे हम। ये मेरा पॉइंट रेडी हो जाएगा। चलिए, देखिए, ओके, रेडी हो गया। अभी नेक्स्ट आप लोगों को हम बताते हैं अंदर। चलिए, अंदर का वर्क बाकी है, वो आप लोगों को फिनिश करके हम दिखाएंगे। अभी वॉश बेसिन का और कमबोर्ड का और हैंड स्प्रे का, ये मेरा पॉइंट तीनों बाकी है अभी।
आप लोगों को यहाँ पे हम बताएंगे, दो मिनट का और वीडियो है मेरा, उसका और फिनिश हो जाएगा। बैक साइड में दो पाइप था ना, वो तो एक पाइप रेडी हो गया, अभी एक पाइप और बाकी है, वो भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देख सकते हैं कि हम वहाँ पे पाइप को अच्छे से कटिंग करके बेंड का सिलवेंट लगा दिए हैं। अब इसको हमको गम लगाने का है, गम लगाने के बाद बस पाइप लगाने का है। चलिए मेरा ये पॉइंट रेडी हो गया, उसके बाद एक और पाइप लेंगे और पॉइंट टी लेंगे। मेजरमेंट टेप से अच्छे से हम नाप लेंगे कितना पाइप लग रहा है, उसके बाद उसको कटिंग करके फिर पाइप को हम डालेंगे। चलिए मेरा 95 लग रहा है, उतना पाइप को हम कटिंग करके उसमें डाल देंगे। उसके बाद मेरा एक पॉइंट और रह जाएगा वॉश बेसिन का, वो भी हम अभी बस इस वीडियो में समाप्त तो होने वाला है, उसके बाद वाटर ऑन करके पूरा चेकिंग करके आप लोगों को हम बताने वाले हैं। देख सकते हैं कि वहाँ पे अच्छे से हम पाइपिंग कर दिए हैं, गम लगा दिए हैं, और उसके बाद इसमें भी हम अच्छे से गम लगा दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन आप लोगों को पूरा समझ में भी आ गया होगा इस वीडियो में, जिसको सही समझ में आएगा कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर मेरा एक पॉइंट एल्बो हम डालेंगे और पॉइंट एल्बो का पाइपिंग करेंगे। 69 हो रहे हैं और यहाँ पे 69 हम कटिंग कर लेंगे। आप लोगों को टेप को नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमको टाइम को बहुत महत्व है भाई, 69 सेंटीमीटर हो रहा है। चलिए हम कटिंग कर लिए हैं, उसके बाद पॉइंट एल्बो को उसमें लगा लेंगे, उसके बाद पॉइंट टी में हम ज्वाइंट कर देंगे, मेरा पॉइंट रेडी हो जाएगा। चलिए पॉइंट टी में हम पहले इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं सोल्यूशन से, PVC सोल्यूशन है, सोलवेंट सजेस्ट से। देखिए हम वहाँ कनेक्ट कर लिए, मेरा एक पॉइंट एल्बो को बस कनेक्ट करने का है, ये मेरा रेडी हो जाएगा। आप लोगों का भी दिख रहा होगा ये, यहाँ पे भी हम कनेक्ट कर दिए हैं। चलिए हमारे तरफ से रेडी हो चुका है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। दोस्तों ये वीडियो बहुत मेहनत से हम बनाए हैं आप लोगों के लिए, देखिए मेरा टैंक भी यहाँ रेडी हो चुका है, टैंक का वीडियो देखने का है तो हमारे चैनल पे आके आप लोग देख सकते हैं। दो टैंक कैसे इंस्टॉल करेंगे आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे, पीछे वाला वीडियो में। उसके बाद नीचे पूरा पाइपिंग आप लोग देख सकते, वाटर भी आ रहा है, यानी वाटर भी आना है, मेरा पॉइंट पूरा रेडी हो गया है। अभी नीचे आप लोगों को चल के दिखाएंगे कि वाटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मेरा वर्क पूरा फिनिश होगा। अभी नीचे आ सकते हैं, देखिए हमारा इतना पाइप लग चुका है, ये सब पाइप पूरा नहीं बताए हैं, जो मेरा पाइप ज़रूरत था वही पे उस पाइप को आप लोगों को हम बताए हैं। और पाइप की जानकारी लेने का है तो मेरा वीडियो में देख सकते हैं, दूसरा वीडियो बना के डाले हैं। अभी आप लोग पूरा वीडियो पूरा देखिए, यहाँ पर भी वाटर आ रहे हैं, ऑन हो चुका है। ये भी देखिए कमबोर्ड हैंड स्प्रे भी प्रेस करके चेक करेंगे, ये भी रेडी है, फिर भी आ रहा है, और वॉशिंग का भी वाटर आ रहा है।